नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई से दिल्ली तक चलने वाले सभी ट्रेन के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मुंबई से दिल्ली तक चलने वाले सभी ट्रेन के बारे में, और बात करेंगे मुंबई से दिल्ली तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है, उन सभी ट्रेन की डिटेल के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे सभी ट्रेन के नाम नंबर के बारे में, और जानेंगे मुंबई से दिल्ली तक कब रवाना होगा और कहाँ तक चलेंगे और कब पहुंचेंगे, और मुंबई से कितना दूरी है और कितना देर में ये डिस्टेंस जो है कवर करेंगे, कौन कौन से दिन जो है मुंबई से दिल्ली तक चलेंगे, और उन सभी ट्रेन में कौन कौन से कोच लगा हुआ है, एवरेज स्पीड जो है क्या है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। मुंबई से दिल्ली तक तकरीबन 31 ट्रेन चलती है, उनमें से दो गरीब रथ ट्रेन, दो मेल एक्सप्रेस ट्रेन, दो एसी सुपरफास्ट ट्रेन, तीन संपर्क क्रांति ट्रेन, तीन दुरंतो ट्रेन, पांच राजधानी ट्रेन और 16 सुपरफास्ट ट्रेन शामिल है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे की बात कर लेते हैं मुंबई से दिल्ली तक चलने वाली सभी ट्रेन की जानकारी की बात। मुंबई से दिल्ली तक चलने वाले पहला जो ट्रेन है वो है 12216 बांद्रा टर्मिनल दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीब रथ एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से हर मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार दोपहर के 12 बजे प्रस्थान करती है, और 23 घंटे बाद दूसरे दिन की सुबह 11 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पहुंचती है। इसके तकरीबन 19 स्टेशन से 1633 किलोमीटर का जो डिस्टेंस जो वो कवर करती है, एवरेज स्पीड जो है 62 किलोमीटर पर आवर है। गरीब रथ टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो इसको ऑपरेट करता है, एसी 3 टायर कोच उपलब्ध है, ICF कोच वाले ट्रेन है। मुंबई से दिल्ली तक चलने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 12909 बांद्रा टर्मिनल हजरत निजामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम के 5:30 में प्रस्थान करती है, और 16:45 बाद दूसरे दिन की सुबह 10:15 में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचती है। इसके तकरीबन 7 स्टेशन से 1366 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है 82 किलोमीटर पर आवर है। गरीब रथ टाइप की ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे जोन जो है इसका ऑपरेट करता है, एसी 3 टायर और एसी शेयर कार कोच उपलब्ध है, ICF कोच वाली ट्रेन है। मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाला जो अगला ट्रेन है वो है 1919 बांद्रा टर्मिनल हरिद्वार एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से हर दिन रात 12:20 में प्रस्थान करती है, और 31:25 बाद दूसरे दिन की सुबह 7:45 में हरिद्वार जंक्शन पहुंचती है। इसके तकरीबन 16 स्टेशन है, 1618 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर 52 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे जोन जो इसको ऑपरेट करता है, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है, LSB कोच वाली ट्रेन है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन दूसरे दिन की रात 2:35 में पहुंचती है, और 15 मिनट बाद 2:50 में प्रस्थान करती है। मुंबई से दिल्ली तक जोड़ने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 11:57 मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल अमृतसर एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से हर दिन शाम के 11:30 में प्रस्थान करती है, और 40:45 बाद तीसरे दिन की शाम 4:15 में अमृतसर जंक्शन में पहुंचती है। इसके तकरीबन 79 स्टेशन से 2046 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रोड पर 50 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, सेंट्रल रेलवे जोन जो है इसको ऑपरेट करता है, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है, ICF कोच वाले ट्रेन है।
नई दिल्ली स्टेशन तीसरे दिन की रात 3:40 में पहुंचती है और 15 मिनट बाद 3:55 में प्रस्थान करती है। मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाले अगला जो ट्रेन है वो है 12263 पुणे हजरत निजामुद्दीन एसी दुरंतो एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है मुंबई के पुणे जंक्शन से हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह के 11:10 में प्रस्थान होती है और 19:35 बाद दूसरे दिन की सुबह 6:45 में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचती है। इसके तकरीबन 60 स्टेशन है, 1511 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस पर 77 किलोमीटर पर आवर है। दुरंतो टाइप की ट्रेन है। नॉर्दर्न रेलवे जोन जो इसको ऑपरेट करता है, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी क्रूज उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटिकार क्रूज भी शामिल है, LSB क्रूज वाले ट्रेन है। मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 12283 एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है एर्नाकुलम जंक्शन से हर मंगलवार शाम के 11:25 में प्रस्थान करती है और 41:55 बाद तीसरे दिन की शाम 6:45 में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचती है। इसके तकरीबन 12 स्टेशन है, 2738 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर 63 किलोमीटर पर आवर है। दुरंतो टाइप की ट्रेन है। नॉर्दर्न रेलवे जोन जो इसको ऑपरेट करता है, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटिकार कोच भी शामिल है, LSB कोच वाले ट्रेन है। मुंबई के पनवेल जंक्शन दूसरे दिन के शाम 9:45 में पहुंचती है और 5 मिनट बाद 9:50 में मुंबई के पनवेल जंक्शन से प्रस्थान करती है। मुंबई से दिल्ली तक चलने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 22209 मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है मुंबई सेंट्रल से हर सोमवार और शुक्रवार शाम के 11:10 में प्रस्थान करती है और 16:45 बाद दूसरे दिन के शाम 3:55 में नई दिल्ली स्टेशन में पहुंचती है। इसके तकरीबन 5 स्टेशन 2638 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर 83 किलोमीटर पर आवर है। दुरंतो टाइप की ट्रेन है। वेस्टर्न रेलवे जोन जो इसको ऑपरेट करता है, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी और ऐसी इकोनॉमी कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटिकार कोच भी शामिल है, LSB कोच वाले ट्रेन है। मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 12171 मुंबई LTT हरिद्वार एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हर सोमवार और गुरुवार सुबह के 7:55 में प्रस्थान करती है और 28:30 बाद दूसरे दिन की दोपहर 12:25 में हरिद्वार जंक्शन में पहुंचती है। इसके तकरीबन 13 स्टेशन है, 1770 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर 67 किलोमीटर पर आवर है। एसी सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। सेंट्रल रेलवे जोन जो इसको ऑपरेट करता है, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटिकार कोच भी शामिल है, LSB कोच वाले ट्रेन है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन दूसरे दिन की सुबह 6:40 में पहुंचती है और 15 मिनट बाद दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से 6:55 में प्रस्थान करती है। मुंबई से दिल्ली तक चलने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 12247 बांद्रा टर्मिनल हजरत निजामुद्दीन युवा एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से हर शुक्रवार शाम के 5:30 में प्रस्थान करती है और 16:45 बाद दूसरे दिन की सुबह 10:15 में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन में पहुंचती है। इसके तकरीबन 7 स्टेशन है, 1367 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस पर 82 किलोमीटर पर आवर है। एसी सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। वेस्टर्न रेलवे जोन जो इसको ऑपरेट करता है, थर्ड एसी और एसी शेयर कार कोच उपलब्ध है। ICF कोच वाले ट्रेन है।
मुंबई से दिल्ली को जोड़ने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 12217 केरला संपर्कांति एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है केरला के कोच्चि वैली स्टेशन से हर सोमवार और शनिवार सुबह के 9:10 में प्रस्थान करती है और 48:40 बाद तीसरे दिन की सुबह 9:50 में चंडीगढ़ जंक्शन पहुंचती है। इसके तकरीबन 23 स्टेशन से 3087 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस पर 56 किलोमीटर पर आवर है। संपर्क क्रांति टाइप की ट्रेन है। नॉर्दर्न रेलवे जो जो इसको ऑपरेट करता है फर्स्ट एसी सेकेंड एसी थर्ड एसी स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटी कार कोच भी शामिल है। LHB कोच वाले ट्रेन है। मुंबई के पनवेल जंक्शन दूसरे दिन की सुबह 10:55 में पहुंचती है और 5 बाद 11:00 पनवेल जंक्शन से प्रस्थान करती है। नई दिल्ली स्टेशन तीसरे दिन की सुबह 6:10 में पहुंचती है और 15 बाद नई दिल्ली स्टेशन से 6:25 में प्रस्थान करती है। मुंबई से दिल्ली तक चलने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 12907 महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से हर बुधवार और रविवार को शाम के 5:30 में प्रस्थान करती है और 16:45 बाद दूसरे दिन की सुबह 10:15 में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुँचती है। इसके तकरीबन 7 स्टेशन से 1367 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर 82 किलोमीटर पर आवर है। संपर्क क्रांति टाइप की ट्रेन है। वेस्टर्न रेलवे जो इसको ऑपरेट करता है फर्स्ट एसी सेकेंड एसी थर्ड एसी एसी इकोनॉमी स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटी कार कोच भी शामिल है। मुंबई को दिल्ली से जोड़ने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 12749 गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है गोवा के मडगांव जंक्शन से हर मंगलवार और बुधवार सुबह के 11:20 में प्रस्थान करती है और 31:05 बाद दूसरे दिन के शाम 6:25 में चंडीगढ़ जंक्शन पहुंचती है। इसके तकरीबन 16 स्टेशन से 2160 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर 81 किलोमीटर पर आवर है। संपर्क क्रांति टाइप की ट्रेन है। नॉर्दर्न रेलवे जो इसको ऑपरेट करता है फर्स्ट एसी सेकेंड एसी थर्ड एसी स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटी कार कोच भी शामिल है। LHB कोच वाले ट्रेन है। मुंबई के पनवेल जंक्शन प्रस्थान के दिन शाम 7:45 में पहुंचती है और 3 बाद 7:48 में प्रस्थान करती है। नई दिल्ली स्टेशन दूसरे दिन की दोपहर 2:10 में पहुंचती है और 15 बाद 2:25 में नई दिल्ली स्टेशन से प्रस्थान करती है। मुंबई से दिल्ली तक चलने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 22221 मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से हर दिन मतलब हफ्ता के 7 दिन शाम के 4:00 प्रस्थान होती है और 17:55 बाद दूसरे दिन की सुबह 9:55 में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचती है। इसके तकरीबन 9 स्टेशन से 2160 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर 86 किलोमीटर पर आवर है। राजधानी टाइप की ट्रेन सेंट्रल रेलवे जो इसको ऑपरेट करता है फर्स्ट एसी सेकेंड एसी और थर्ड एसी कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटी कार कोच भी शामिल है। LHB कोच वाले ट्रेन है। मुंबई से दिल्ली तक चलने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 12951 मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है मुंबई सेंट्रल से हर दिन मतलब हफ्ते की 7 दिन शाम के 5:00 प्रस्थान करती है और 15:32 बाद दूसरे दिन की सुबह 8:32 में नई दिल्ली स्टेशन पहुंचती है। इसके तकरीबन 8 स्टेशन से 1385 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस ट्रेन की 89 किलोमीटर पर आवर है। राजधानी टाइप की ट्रेन है। वेस्टर्न रेलवे जो इसको ऑपरेट करता है फर्स्ट एसी सेकेंड एसी थर्ड एसी कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटी कार कोच भी शामिल है। LHB कोच वाले ट्रेन है।
मुंबई से दिल्ली तक चलने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 12953 अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है मुंबई सेंट्रल से हर दिन शाम के 5:10 में प्रस्थान करती है और 16:33 बाद दूसरे दिन के सुबह 9:43 में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचती है। इसके तकरीबन 12 स्टेशन है, 1378 किलोमीटर का जो डिस्टेंस वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर 83 किलोमीटर पर आवर है। राजधानी टाइप की ट्रेन है। वेस्टर्न रेलवे जोन जो इसको ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटी कार कोच भी शामिल है। LSB कोच वाले ट्रेन है। मुंबई को दिल्ली से जुड़ने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 12731 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है केरला के तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से हर मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार शाम के 7:15 में प्रस्थान करती है और 16:33 बाद तीसरे दिन की दोपहर 12:30 में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन में पहुंचती है। इसके तकरीबन 21 स्टेशन 2843 किलोमीटर का जो डिस्टेंस वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर 69 किलोमीटर पर आवर है। राजधानी टाइप की ट्रेन है। नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है इसको ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटी कार कोच भी शामिल है। LSB कोच वाली ट्रेन है। मुंबई के पनवेल जंक्शन दूसरे दिन के शाम 6:00 पहुंचती है और 5 मिनट बाद 6:05 में पनवेल जंक्शन से प्रस्थान करती है। मुंबई को दिल्ली से जुड़ने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 22713 मोटगांव हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है गोवा के मोटगांव जंक्शन से हर सोमवार और रविवार को सुबह के 10:00 प्रस्थान करती है और 26:30 बाद दूसरे दिन की दोपहर 12:30 में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचती है। इसके तकरीबन 11 स्टेशन है, 1908 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर 72 किलोमीटर पर आवर है। राजधानी टाइप की ट्रेन है। नॉर्दर्न रेलवे जोन जो इसको ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटी कार कोच भी शामिल है। LSB कोच वाली ट्रेन है। मुंबई के पनवेल जंक्शन प्रस्थान के दिन शाम 6:00 पहुंचती है और 5 मिनट बाद 6:05 में प्रस्थान करती है। मुंबई को दिल्ली से जुड़ने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 22653 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है केरला के तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से हर शनिवार रात 12:50 में प्रस्थान करती है और 45:50 बाद दूसरे दिन के शाम 10:40 में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुँचती है। इसके तकरीबन 29 स्टेशन 2855 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस ट्रेन की 62 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। साउदर्न रेलवे जोन जो इसको ऑपरेट करता है। सेकेंड एसी, थर्ड एसी, एसी इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। LSB कोच वाली ट्रेन है। मुंबई के पनवेल जंक्शन दूसरे दिन की रात 2:50 में पहुंचती है और 5 मिनट बाद 2:55 में प्रस्थान करती है। मुंबई को दिल्ली से जुड़ने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 22655 एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है केरला के एर्नाकुलम जंक्शन से हर बुधवार सुबह 5:15 में प्रस्थान करती है और 41:25 बाद दूसरे दिन की शाम 10:40 में दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुँचती है। इसके तकरीबन 24 स्टेशन है, 2738 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर 67 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। साउदर्न रेलवे जोन जो इसको ऑपरेट करता है। सेकेंड एसी, थर्ड एसी, एसी इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। LSB कोच वाले ट्रेन है। मुंबई के पनवेल जंक्शन दूसरे दिन की रात 2:50 में पहुँचती है और 5 मिनट बाद 2:55 में प्रस्थान करती है।
मुंबई को दिल्ली से जुड़ने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 12,750 स्वराज एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार सुबह के 11 बजे प्रस्थान करती है और 30 घंटे 25 मिनट बाद दूसरे दिन की शाम 5:25 में श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन में पहुंचती है। इसके तकरीबन 31 स्टेशन से 2029 किलोमीटर का जो डिस्टेंस वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस पर 67 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। नॉर्दर्न रेलवे जो है इसको ऑपरेट करता है। फास्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटीकार कोच भी शामिल है। LSB कोच वाले ट्रेन है। न्यू दिल्ली स्टेशन दूसरे दिन की सुबह 5:25 में पहुंचती है और 15 मिनट बाद 5:40 में न्यू दिल्ली स्टेशन से प्रस्थान करती है। मुंबई दिल्ली से जुड़ने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 12,788 कोचीवेली अमृतसर साप्ताहिक एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है केरला के कोचीवेली स्टेशन से हर बुधवार सुबह के 9:10 में प्रस्थान करती है और 52:40 बाद तीसरे दिन की दोपहर 1:50 में अमृतसर जंक्शन पहुंचती है। इसके तकरीबन 28 स्टेशन से 3,292 किलोमीटर का जो डिस्टेंस वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है 63 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। नॉर्दर्न रेलवे जो इसको ऑपरेट करता है। फास्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटीकार कोच भी शामिल है। LSB कोच वाले ट्रेन है। मुंबई के पनवेल जंक्शन दूसरे दिन की सुबह 10:55 में पहुंचती है और 11 बजे पनवेल जंक्शन से प्रस्थान करती है और नई दिल्ली स्टेशन तीसरे दिन की सुबह 6:10 में पहुंचती है और 15 मिनट बाद 6:25 में प्रस्थान करती है। मुंबई को दिल्ली से जुड़ने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 22,659 कोचीवेली योगी नगरी ऋषिकेश सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है केरला के कोचीवेली स्टेशन से हर शुक्रवार सुबह के 9:10 में प्रस्थान होती है और 52:25 बाद तीसरे दिन की दोपहर 1:35 में योगी नगरी ऋषिकेश स्टेशन पहुंचती है। इसके तकरीबन 28 स्टेशन से 3110 किलोमीटर का जो डिस्टेंस वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस ट्रेन की 38 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। साउथर्न रेलवे जोन जो है इसको ऑपरेट करता है। सेकेंड एसी, थर्ड एसी, इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। LSB कोच वाले ट्रेन है। मुंबई के पनवेल जंक्शन दूसरे दिन की सुबह 10:55 में पहुंचती है और 5 मिनट बाद 11 बजे प्रस्थान करती है और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन तीसरे दिन की सुबह 5:50 में पहुंचती है और 10 मिनट बाद 6 बजे प्रस्थान करती है। मुंबई को दिल्ली से जुड़ने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 12,925 पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है मुंबई सेंट्रल से हर दिन मतलब सब हफ्ता के 7 दिन सुबह के 11:25 में प्रस्थान करती है और 32:45 बाद दूसरे दिन की शाम 8:10 में अमृतसर जंक्शन पहुंचती है। इसके तकरीबन 40 स्टेशन से 1,877 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है 57 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। वेस्टर्न रेलवे जोन जो इसको ऑपरेट करता है। फास्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटीकार कोच भी शामिल है। LSB कोच वाले ट्रेन है। नई दिल्ली स्टेशन तीसरे दिन की सुबह 10:40 में पहुंचती है और 25 मिनट बाद 11:05 में प्रस्थान करती है। मुंबई को दिल्ली से जोड़ने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 22,751 बांद्रा टर्मिनल चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से हर सोमवार और गुरुवार दोपहर के 12 बजे प्रस्थान करती है और 26:15 बाद दूसरे दिन की दोपहर 2:15 में चंडीगढ़ जंक्शन पहुंचती है। इसके तकरीबन 27 स्टेशन से 1,586 किलोमीटर का जो डिस्टेंस वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। नॉर्दर्न रेलवे जोन जो इसको ऑपरेट करता है। फास्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटीकार कोच भी शामिल है। LSB कोच वाले ट्रेन है। दिल्ली कैंट स्टेशन दूसरे दिन की सुबह 10:18 में पहुंचती है और 2 मिनट बाद 10:20 में प्रस्थान करती है।
मुंबई को दिल्ली से जोड़ने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 22949 बांद्रा टर्मिनल दिल्ली सराय रोहिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से हर बुधवार दोपहर के 12:15 में प्रस्थान करती है और 32:20 बाद दूसरे दिन की सुबह 11:35 में दिल्ली सराय रोहिला स्टेशन पहुंचती है। इसके तकरीबन 27 स्टेशन है, 1586 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर 58 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। वेस्टर्न रेलवे जोन जो इसको ऑपरेट करता है फर्स्ट एसी सेकेंड एसी थर्ड एसी स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। LHB कोच वाले ट्रेन है। मुंबई को दिल्ली से जोड़ने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 12617 मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है केरल के एर्नाकुलम जंक्शन से हर दिन दोपहर के 1:25 में प्रस्थान करती है और 48:10 बाद तीसरे दिन की दोपहर 1:35 में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचती है। इसके तकरीबन 46 स्टेशन से 3073 किलोमीटर का जो डिस्टेंस वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर 57 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। साउथर्न रेलवे जोन जो इसको ऑपरेट करता है सेकेंड एसी थर्ड एसी इकोनॉमी स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटिकर कोच भी शामिल है। LHB कोच वाले ट्रेन है। मुंबई के पनवेल जंक्शन दूसरे दिन की दोपहर 12:35 में पहुंचती है और 5 मिनट बाद 12:40 में पनवेल जंक्शन से प्रस्थान करती है। मुंबई को दिल्ली से जोड़ने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 22917 बांद्रा टर्मिनल हरिद्वार सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से हर बुधवार दोपहर के 12:45 में प्रस्थान करती है और 25:45 बाद दूसरे दिन की दोपहर 2:30 में हरिद्वार जंक्शन पहुंचती है। इसके तकरीबन 26 स्टेशन है, 1618 किलोमीटर का जो डिस्टेंस वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है 63 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। वेस्टर्न रेलवे जोन जो इसको ऑपरेट करता है फर्स्ट एसी सेकेंड एसी थर्ड एसी स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। LHB कोच वाले ट्रेन है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दूसरे दिन की सुबह 8:35 में पहुंचती है और 15 मिनट बाद 8:50 में प्रस्थान करती है। मुंबई को दिल्ली से जोड़ने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 12793 दर्शन सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है मुंबई के मीराज जंक्शन से हर रविवार सुबह के 7:50 में प्रस्थान करती है और 25:55 बाद दूसरे दिन की सुबह 6:45 में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचती है। इसके तकरीबन 15 स्टेशन से 1799 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है 77 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। नॉर्दर्न रेलवे जोन जो ऑपरेट करता है फर्स्ट एसी सेकेंड एसी थर्ड एसी और स्लीपर क्लास उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटिकर कोच भी शामिल है। LHB कोच वाले ट्रेन है। मुंबई को दिल्ली से जोड़ने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 22633 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस पाया अल्लापुंजा। ये जो ट्रेन है केरला के तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से हर बुधवार दोपहर के 2:40 में प्रस्थान करती है और 45:50 बाद तीसरे दिन की दोपहर 12:30 में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचती है। इसके तकरीबन 29 स्टेशन से 2844 किलोमीटर का जो डिस्टेंस वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है 62 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। साउथर्न रेलवे जोन जो इसको ऑपरेट करता है सेकेंड एसी थर्ड एसी एसी इकोनॉमी स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। LHB कोच वाले ट्रेन है। मुंबई के पनवेल जंक्शन दूसरे दिन की सुबह 6 बजे पहुंचती है और 5 मिनट बाद 6:05 में मुंबई के पनवेल जंक्शन से प्रस्थान करती है। मुंबई को दिल्ली से जोड़ने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 12903 गोल्डन टेम्पल मेल। ये जो ट्रेन है मुंबई सेंट्रल से हर दिन शाम 6:45 में प्रस्थान करती है और 29 घंटे बाद दूसरे दिन के शाम 11:45 में अमृतसर जंक्शन में पहुंचती है। इसके तकरीबन 19 स्टेशन से 1852 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है 65 किलोमीटर
पारावर है, सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। वेस्टर्न रेलवे जोन जो है इसको ऑपरेट करता है। फर्स्ट से सेकंड से थर्ड स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटिकर कोच भी शामिल है। LSB कोच वाले ट्रेन है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन दूसरे दिन की दोपहर 1:50 में पहुँचती है और 15 मिनट बाद 2:05 में प्रस्थान करती है। मुंबई को दिल्ली से जोड़ने वाला अगला जो ट्रेन है वो है 12137 पंजाब मेल। ये जो ट्रेन है मुंबई के छत्रपति महाराज टर्मिनल से हर दिन शाम के 7:35 में प्रस्थान करती है और 33:35 बाद तीसरे दिन की सुबह 5:10 में फिरोजपुर कैंट जंक्शन पहुंचती है। इसके तकरीबन 54 स्टेशन है, 1928 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वे कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है 57 किलोमीटर पर आवर है। सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। सेंट्रल रेलवे जोन जो इसको ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटिकर कोच भी शामिल है। नई दिल्ली स्टेशन दूसरे दिन की शाम 9:25 में पहुंचती है और 15 मिनट बाद 9:40 में प्रस्थान करती है। दोस्तों इसके साथ ही मुंबई को दिल्ली से जोड़ने वाला सभी ट्रेन की जानकारी की ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। या अगर आप चाहते हैं इसी तरह की और वीडियोस बनाते रहो तो कमेंट करके जरूर बताएं। हम इस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूँगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इस तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे।